रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज बैच लीड्स पे वीडियो बना रहा हूँ कि बैच लीड्स क्या है, यहाँ पे आप स्किप टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये किसी CRM है, यहाँ आप टेक्स्ट ब्लास्ट भेज सकते हैं, यहाँ पे आप स्किप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये पेड है, ठीक है ना। जैसे बीन वेरीफाइड है या दूसरी वेबसाइट्स हैं, यहाँ TLO टाइप कह रहे हैं, तो ये बैच लीड्स जो है ये भी पेड है, ये पैसे लेती है। जैसे प्रॉप स्ट्रीम भी लेती है, 12 सेंट लेती है, ये भी 12 सेंट लेती है, ठीक है ना, 12 सेंट पर लीड। लेकिन इसका कुलिया है कि ये आपका ज़्यादा पैसे ज़ाया नहीं करने देती। उसका तरीका कार है, इनका जो प्रोसीजर है, मैं अभी वही आपको समझाने वाला हूँ कि वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अगर भाई नए आए हो चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर जो कर दो, और जो है बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज आपको मिलती रहें, ठीक है, और आप लोग सीखते रहें चीज़ें, ठीक है जी। अब इसमें ये मेरे सामने खुला हुआ डैशबोर्ड है, ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे जो है इस साइड पे देखें लिस्ट सर्च। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि जैसे आप प्रॉप स्ट्रीम पे लिस्ट जो है सर्च करते होते हैं, इसमें सेम चीज़ वो भी है, ठीक है ना। ये देखें, वो तेरी रेट बढ़ गया भाई 14, बेस का बेस 14 सेंट है, परफॉर्मेंस जो है 12 पे है, परफॉर्मेंस प्लस 10 सेंट पे है, स्किप ट्रेसिंग प्राइसेस। अच्छा चलो, नोटिफिकेशन अभी आपके सामने आ गया, ये देखें ना किस तरह से सेम टू सेम उसी तरह खुला हुआ जैसे प्रॉप स्ट्रीम होती है। इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इसके बाद, ये आपको पहले साइड वाला दिखा रहा हूँ, बाहर लिस्ट सर्च है, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ है जो आपने सेव किए हैं, जैसे हम प्रॉप स्ट्रीम में सेव करते होते थे, ठीक है। इसके नीचे स्किप ट्रेस है, इसके नीचे है कैंपेन, ठीक है, कैंपेन के बाद इनबॉक्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस आज की वीडियो जो है ये हम स्किप ट्रेसिंग के ऊपर है। अब मैंने प्रॉप स्ट्रीम से पहले जो है मंगवाई है लिस्ट, ठीक है, क्लाइंट की, अब वो लिस्ट मंगवा चुका हूँ, अब यहाँ पे उसकी करनी स्किप ट्रेसिंग। ये ऑलरेडी इनकी मैं कर चुका हूँ स्किप ट्रेसिंग। अब ये इम्पोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे इम्पोर्ट का। अब इम्पोर्ट अपलोड योर फाइल, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डायरेक्ट क्लिक करके, तो ये मेरी फाइल है, इसको मैंने किया सिलेक्ट, और ये प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट डिकॉल्ब काउंटी, ठीक है, वैकेंट डिकॉल्ब काउंटी की है, जीए की, जैसे मोजो पे करते थे, यानी कि आपके पास सोर्स फील्ड होती है और डेस्टिनेशन फील्ड होती है, ठीक है ना। ये वही चीज़ है, आपने जो आपके पास एड्रेस है वो आपने खुद सेलेक्ट करना कि किस जगह पे कौन सी फील्ड में हमारी कौन सी डाटा जो है कौन सा वाला वो कहाँ पे जाए, ठीक है। फोकस्ड होकर देखा करो यार वीडियो, तभी फ़ायदा होना है, हमें नहीं होना, ठीक है, देखा करो पूरी वीडियो देखा करो। अच्छा, ये देखें हमारा एड्रेस प्रॉपर्टी एड्रेस पर आ गया, यूनिट प्रॉपर्टी एड्रेस टू, क्योंकि हमारा यूनिट वगैरह अक्सर प्रॉपर्टी एड्रेस टू लाइन जो होती है उसके अंदर आता है जब हम लिस्ट निकालते हैं। अच्छा, सिटी प्रॉपर्टी सिटी, स्टेट प्रॉपर्टी स्टेट, जिप प्रॉपर्टी जिप, ठीक है, काउंटी हम नहीं दे रहे हैं, ऑनर फर्स्ट नेम ऑनर लास्ट नेम, ओके हो गया, ठीक है। अब मेलिंग केयर ऑफ नेम, मेलिंग एड्रेस, यहाँ नीचे और कुछ भी नहीं ऐड हुआ, वही हमने खुद करना है, ठीक है। मेलिंग केयर ऑफ नेम हम नहीं देंगे, हम मेलिंग एड्रेस देंगे, ये देखें मेलिंग एड्रेस वन, मेलिंग यूनिट पे, मेलिंग एड्रेस टू, मेलिंग सिटी, ये सिटी दे दिया, मेलिंग स्टेट, देन मेलिंग जिप, ठीक है। अब और हमने कुछ ऐड वैसे भी नहीं करना, ठीक है ना। ये हमारी जो बेस जो है थी, हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने देनी होती है यहाँ पे लाजमी, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन थी जो हमने दे दी, एक चीज़ तो होगी ये, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या करना है, ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये ब्लू एरो दबा देना, इसको दबा दिया। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि स्टार्ट करना है तो लिस्ट जो है सेलेक्ट करो कि ये कहाँ पर जाए, ठीक है। अब लिस्ट कैसे, अब मैंने जो पहले ये की हुई है लिस्ट, अब ये उनमें नहीं मैंने डाला, ठीक है ना, ये अलहदा है, नई फाइल मैं कर रहा हूँ, तो इसका हमने डिकॉल्ब काउंटी, ठीक है, डिकॉल्ब काउंटी वैकेंट वैकेंट नेम दे दिया, डन। न्यू लिस्ट नेम सेलेक्ट हो गया, टैग वगैरह अगर ऐड करना हो तो ऐड न्यू, हमने वो नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब सेव फॉर लेटर, ये किस लिए करते हैं, सेव फॉर लेटर करना मैं ईजी होता है कि आपकी अब लिस्ट हो जाती है तो आप उसको इजीली अपना कर सकते हैं। अब इसमें मेरे कॉन्टैक्ट्स कितने थे, टोटल रिकॉर्ड्स कितने, 422, ठीक है, 422 रिकॉर्ड हैं इस पर इसके, और मेरे पास इसको स्किप ट्रेस, ये देखें ये ऑप्शन है स्किप स्टार्ट स्किप ट्रेस, अब स्टार्ट करना है, ठीक है। ये स्टार्ट करने के लिए हमने इस पर किया क्लिक, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन देखना ज़रूर कि किस तरह से करना है, पेड वेबसाइट है। अब आपके सामने इन्होंने क्या मुझे एस्टिमेट दिया है, ये कह रहे हैं कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड 422, प्राइस पर रिकॉर्ड 0.12 मीन्स के 12 सेंट, एस्टिमेटेड टोटल है 50.64, ठीक है, $50.64 इसके लगेंगे एस्टिमेट जो है। अब इसमें मज़े की चीज़ क्या है, मज़े की चीज़ ये है, जिन रिकॉर्ड का डाटा नहीं निकलेगा ये उसका चार्ज नहीं करेगा,
ये सिर्फ उसका चार्ज करेगा जिसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, फ़ोन नंबर ईमेल मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं का चार्ज करेगा। अदरवाइज़ ये हमें जो है चार्ज नहीं करेगा, हमें कोई पे नहीं करना पड़ेगा जो हमारा नहीं है। और डुप्लीकेट्स के लिए ऊपर लिखा हुआ ना, रिकॉर्ड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन स्किप ट्रेस्ड आर डुप्लीकेट्स और हैव इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विल बी ओमिटेड एंड यू विल नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, हमें वो चार्ज नहीं करेगा जो ऑलरेडी स्किप ट्रेस्ड हैं, जो डुप्लीकेट्स हैं और जो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगी जिनकी, यानी कि ठीक है ना। प्लीज़ रिव्यू योर ऑर्डर बिलो, ऑल स्किप ट्रेस रिक्वेस्ट आर फाइनल अपॉन सबमिशन, रिक्वेस्ट आर नॉन रिफंडेबल एंड कैन नॉट बी पास्ड और कैंसल्ड वंस सबमिटेड बाय प्रोसीडिंग यू एग्री टू दोज टर्म्स। यानी कि एक दफ़ा हमने स्टार्ट स्किप ट्रेस कर दिया तो भाई फिर कैंसिल नहीं होगा, जितना भी उन्होंने स्किप ट्रेस करना है जो डाटा उनको मिलेगा वो करके हमें चार्ज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये ख्याल रखना कि जब भी आपने स्टार्ट करना तो आप क्लियर हों कि हमने भाई अब स्टार्ट करना ही करना, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहे हो तो आपने इसको करना है, अदरवाइज़ आप इसको स्टार्ट स्किप ट्रेस नहीं करना। अब मैंने करना तो है लेकिन वो एस्टिमेट मुझे कितना दे रहा है, 50.64। ठीक है, अब मुझे मेरे अकाउंट में कितने उन्हें पैसे चाहिए, 50.64। ठीक है ना, क्लाइंट का अकाउंट है यार, लोग अक्सर समझ लेते हैं कि आपके पास सर एक्सेस है, ये है वो है, भाई मेरे पास नहीं है। क्लाइंट का मैं काम कर सकता हूँ, मैं अब मुझे परमिशन नहीं है कि मैं यहाँ से अपना काम भी कर रहा हूँ, उसके पैसे हैं, उसको सामने सारी डिटेल जाती है, उसको इनवॉइस जाती है, मैं कैसे करूँ, ठीक है ना। तो भाई वो दोस्त जो मुझे कहते हैं कि भाई आपके पास पेड टूल्स हैं आप हमें करके दो, भाई सॉरी मैं किसी को नहीं करके दे सकता, मैं अदरवाइज किसी और क्लाइंट के लिए मैं खुद का भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कि यार क्लाइंट है उसका, अगर मैं यहाँ उसका मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्लाइंट मुझे कहेगा भाई तूने मेरी परमिशन के बगैर क्यों यूज़ किया, ठीक है, क्या करेगा, मुझे छोड़ेगा, मुझे कैंसल, ठीक है, नया फ्रीलांसर ढूंढेगा और मेरा पता कट, ठीक है। तो मेरा दिमाग ख़राब है कि यार मैं बिला वजह जो अपना क्लाइंट ज़ाया करूँ, ठीक है ना, क्लाइंट ज़ाया नहीं करते होते। तो उन दोस्तों के लिए खासकर को भाई जो मुझे कहते हैं कि यार आपके पास है एक्सेस है तो आप हमें कर दो, भाई मेरे पास नहीं एक्सेस, ये क्लाइंट का काम एक्सेस में जिसने अपने काम के लिए दी है, तो जो प्राइवेसी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसके उसने एतबार किया ना मुझ पे, अगर वही एतबार मैं तोड़ दूंगा तो भाई मुझे वो तो काम तो नहीं देगा ना, तो उसका तो काम चलता रहेगा, उसको फ्रीलांसर मिल जाएगा, मेरा काम तो गया, ठीक है। तो काइंडली भाई मुझे ये चीज़ ना कहा करो, मेरे पास एक्सेस नहीं है कोई भी पेड टूल की, ना मेरे पास TLO है, ना मेरे पास LexisNexis है, बीन वेरीफाइड था और एक दो और थे यार, इंटेक्लस के क्या यार नाम था एक वो था, इसके अलावा एक और वेबसाइट थी, वो दो तीन के पहले रह चुके हैं लेकिन बैन हो गए थे हम, ठीक है ना। प्रॉपस्ट्रीम की थी कभी हमारे पास सक्सेस, लेकिन वो भी उन्होंने हमें बैन कर दिया, अब हमारे कार्ड पे वो परचेज ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का कोई बंदा ही कर सकता। मेरे पास एक्सेसेस हैं लेकिन क्लाइंट की हैं, ठीक है, मुख्तलिफ क्लाइंट जब आता है उसकी एक्सेस होती है, उसका काम करना, तो इसके अलावा मैं किसी का नहीं कर सकता, ठीक है, मैं अपने किसी और क्लाइंट का नहीं कर सकता, ठीक है। तो काइंडली मुझे वो कुछ ना कहा करो, अब आपके जब अकाउंट में पैसे पूरे होंगे आप सिर्फ स्टार्ट स्किप ट्रेस करोगे, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपको ये थोड़ी देर तक जो है करके बता देंगे कि जी ये इतने आ गए, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ जैसे ये हुआ है मैच सेविंग्स टोटल हिट्स, ये हिट्स परसेंटेज बनाते हैं, इतने निकले हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट जितनी उसकी लगती है कॉस्ट ये वो बता देते हैं, ठीक है ना। ये इसकी 86.22 है, 563 इसके स्किप ट्रेस हुए थे, टोटल थे 653, तो यानी कि 90 जो है वो नहीं हुए थे, और 17 मैचेस ये पहले थे मैच सेल्स, यानी कि ऑलरेडी इनका डाटा था जिसको इन्होंने किया ही नहीं है, ये $2.04 हमारा सेविंग हो गई, उन्होंने यानी कि एस्टिमेट से निकाल दिया था। तो ये चीज़ें ठीक है, यहाँ आपको इसका डिटेल आ जाएगी जब इसकी स्किप ट्रेस करेंगे, तो सो सिंपल है, बैच लीड्स इसको यूज़ करना स्किप ट्रेसिंग के लिए, बाकी डिटेल पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा इसकी, के लिए यहाँ से लिस्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कैंपेन कैसे चलाते हैं, टेक्स्ट ब्लास्ट जो है, टेक्स्ट ब्लास्ट नहीं कहेंगे यहाँ, मैसेज कैंपेन कहेंगे इसको, इसका थोड़ा सा ना और चीज़ है, इसका जस्ट वन क्लिक के साथ नहीं है, ठीक है। इस लिस्ट को मैंने स्किप ट्रेस भी करना, क्लाइंट से मैं बात करता हूँ तो उसके से एक्सेस लेके बैलेंस डलवा के, बैलेंस डलवाने के बाद उसको स्किप ट्रेस करके फिर आपको मैं टेक्स्ट भेजने वाला जो खुलिया है मैं उस पर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं, कैंपेन कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको सेंड कैसे करते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान शरीफ का महीना है भाई, मुझे भी दुआ में याद रखना, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितने दोस्त भाई मुसलमान हैं काम कर रहे हैं सबका काम अच्छा चलता रहे, ठीक है। अल्लाह पाक सबको रिज़्क दे, मुझे भी दे, सबको दे, और रिज़्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए हम सबको, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।